नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। शब्दों के साथ खेलने वाले शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का महिमा मंडन क्या किया, अब तो उन्हीं के साथ खेल हो गया। यूं तो शायरी में राणा साहब चीजों की और लोगों की तुलना करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तालिबानियों की तुलना वाल्मीकि से ही कर डाली। यहां तक कि यह भी कह दिया कि हिंदुस्तान तालिबान से भी ज्यादा क्रूर है, लेकिन अब जनाब खुद ही फंस गए। उर्दू कवि मुनव्वर राणा ने वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उर्दू शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। भाजपा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सुनील मालवीय और वाल्मीकि समुदाय के और मेंबर्स की शिकायत के बाद सोमवार को गुना में राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लखनऊ निवासी मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि भगवान पर की गई टिप्पणी के विरोध में वाल्मीकि समाज गुना द्वारा एक ज्ञापन सिटी कोतवाली में शिकायती दिया गया था, जिस पर सिटी कोतवाली गुना में मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी की जाए। मालवीय ने आरोप लगाया कि राणा ने अपनी टिप्पणियों से महर्षि वाल्मीकि का अपमान किया और वाल्मीकि समुदाय और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, साथ ही ये मामला अब लखनऊ के हजरतगंज थाने भी पहुंच गया है। बता दें कि बीते दिनों शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान को लेकर सवाल पर जवाब दिया और कहा था कि तालिबानी उतने ही आतंकी है जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं और वो देवता हो जाते हैं, जबकि उससे पहले वो डाकू थे। मुनव्वर राणा ने कहा कि आदमी का किरदार बदलता रहता है और राणा के इस बयान को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब गुना में भी उनके खिलाफ इस बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और शिकायत में कहा गया कि मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करके हिंदुस्तान की आस्था का अपमान किया है। महर्षि वाल्मीकि न केवल पवित्र ग्रंथ रामायण के रचनाकार थे, बल्कि लोग उन्हें भगवान मानकर पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।